हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग टाइम पर आए हैं, वेरी गुड। टाइम चेंज हुआ था ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, है ना? सबको पता है टाइम चेंज हुआ है। हेलो एवरीवन, करें स्टार्ट। चलिए, स्टार्ट करते हैं आज नई क्लास के साथ में। फटाफट से जल्दी जुड़ो ताकि हम लोग स्टार्ट कर सकें। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून विशाल शर्मा, ऑलवेज ऑन टाइम। सबसे पहले आज तो सबसे पहले सुभाष आया। हेलो प्राशु, हेलो मनदीप। चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सबके सब। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, स्टार्ट करें। आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करें। आप लोगों को सबको पता होगा कि जो एनडीए है उसका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। सबको पता होगा जो एनडीए है उसका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। अभी आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं जिसको बोन कहते हैं। आज हम बोन स्टार्ट करेंगे। बोन्स क्या होती हैं, क्या है? चलो वेरी गुड, मैंने बोला था उसी में पीडीएफ जिनको मिल गया बहुत बढ़िया। इसी पीडीएफ को बेटा आप लोग प्रिंट करा लो, जो मैं पढ़ा रही हूं इसी में अपडेट करते जाओ, ठीक है? चलिए गुड, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ये वाला टेलीग्राम पर पेज है और ये फेसबुक पर पेज है। दोनों को लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, फेसबुक पे आपको करंट अफेयर्स के साइंस के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। कैसे क्लियर होगा? जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे, मतलब आपने सबसे ज्यादा ध्यान जो देना है वो देना मैथ्स पर। क्यों क्लियर नहीं होगा भाई? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 25 दिन आज ही हम लोग सोकर जगे हैं कि भाई पढ़ना है, पढ़ तो हम पहले से रहे ना। चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज ह्यूमन बोन। हड्डियां कैसे नजर आती हैं, हड्डी क्या होती है, कैसे होती है, बोन्स कितनी होती हैं, किन किन चीजों से मिलकर के बनी होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हमने क्या शुरू करना है, दैट इज ह्यूमन बोन। नेक्स्ट, बोन जो होती है दैट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब काम करती है, पार्टिसिपेट करती है, इसको बोलते हैं हम लोग चयापचय प्रक्रिया। और बोन को हम लोग बोलते हैं हड्डियां। चयापचय या अपाचय प्रक्रियाएं क्या होती हैं? अच्छा, चयापचय का मतलब होता है शरीर को बनाए रखने में जिन कामों की जरूरत है, जिन चीजों की जरूरत है वो। जैसे सांस लेना, आपके शरीर में खून का दौरा चलना, ये सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, या फिर हम लोग बोलते हैं चयापचय प्रक्रियाएं। तो जो बोन होती है ये मेटाबॉलिक फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, डिवाइड भी होती है, ग्रो भी करती है, सेल्स भी डिवाइड कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। ये क्या है? ये एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयोजी ऊतक। ये एक तरीके का संयोजी ऊतक है। ये संयोजी ऊतक क्या करता है, सपोर्ट देता है, मतलब उसको संभाल करके रखता है, किसी भी चीज को स्ट्रेंथ देता है, संरचना करता है उसकी, चलने में मदद करता है, प्रोटेक्शन करता है, संरक्षण करता है उसका, मतलब जो भी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मैंने आपको जब हार्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या बताया था
कि हार्ट जो होता है वो पसलियों के बीच में कहीं आ करके रखा रहता है, पसलियां हैं, पसलियों के बीच में लंग्स हैं, उस लंग्स के बीच में हार्ट है। तो मैंने आपको यही बताया था ना कि भाई पसलियां प्रोटेक्ट करती हैं, जब कोई जोर से उसको मारेगा तो सबसे पहले आपकी पसलियां टूटेंगी, सीधा दिल पर कुछ नहीं जाएगा, दिल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा यार हार्ट में कोई दिक्कत आ गई। किसी ने पूछा भी था कि मैम अगर हार्ट में घुस जाए फिर। हेलो विक्की, हेलो डिफेंस लवर, जय हिंद। चलिए, आप में से किसी ने मुझसे पूछा भी था कि मैम अगर पसली टूट के दिल में चली जाए तो। पसली टूट के दिल में जाएगी मतलब बहुत तेजी से एक्सीडेंट होगा, पसली आसानी से नहीं टूटती। चलो, जो बोन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं दैट वर्ड इज ऑस्टियो। बोन के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है ऑस्टियो। इसके पास में जो सेल्स डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? हड्डियों के बीच में एक छोटा छोटा सा लिक्विड प्रेजेंट होता है, हड्डियों के बीच में इस तरीके का लिक्विड प्रेजेंट होता है। इस लिक्विड में क्या हो सकता है? इस लिक्विड में कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, इस लिक्विड में आपके ऑयल पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके स्टोर हो जाती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये भी यही बता रहा है ना, ये भी बोल रहा है कि भाई देखो कितने तरीके के सेल होते हैं, जल्दी से ध्यान दो इस पर। ठीक है, चलो, जब बोन मैरो जो होता है ना, नहीं नहीं पसली टूटने पे कभी डेथ नहीं होती, पसली टूट जाए आपके हार्ट में घुस जाए उसमें होती है। बेटा जो बोन मैरो होता है ना विकी, वो बोन मैरो बेटा आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी में खोखला स्पेस होता है, खाली जगह होती है, उस जगह में एक लिक्विड भरा होता है जिस लिक्विड को हम लोग कहते हैं बोन मैरो। ये जो बोन मैरो होती है इसके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डन। ये जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ ना बच्चा, ये मैं आपको पीपीटी की फॉर्म में पढ़ा रही हूँ, इसका पीडीएफ भी प्राशु उसके अंदर है बेटा। अगर आप देखोगे हिंदी वाले में तो ये सब लिखा हुआ है, एक बार ही जाकर देखो। ठीक है, ऑस्टियोसिस्ट क्या होता है? ऑस्टियोसिस्ट का मतलब होता है जो सिस्ट, ऑस्टियोसाइट। साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब होता है सेल, ऑस्टियो मतलब बोन का सेल। ये क्या करता है? बोन टिश्यू, उसके ऊपर कितने टिश्यूज हैं, उसको कैसे मेंटेन रखना है, उसका ध्यान रखता है। ठीक, वेलकम आकाश, जो लोग भी नए हो बच्चा, मैं उन लोगों को एंड ऑफ द क्लास आपको लिंक दे दूंगी टेलीग्राम का, आप जाके आराम से नोट्स ले सकते हैं वहां से, ये सारे नोट्स वहां रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल आकाश, क्लास के एंड में। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, कई बार क्या होता है बेटा हमारा जो बोन्स होती है वो बोन्स सही नहीं होती है या एक्स्ट्रा होती है, तो हमारे पास कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स निकलते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं बोन्स को फिर से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ठीक है, उसी के अंदर बच्चा अपडेट करते रहो, मैक्सिमम वही है, पर फिर भी जो पढ़ा रही हूँ अगर कोई एक आधी चीज उसमें मिस है तो अपडेट करते रहो साथ के साथ। बोन्स आर मेड बाय, बोन्स किस किस से बनी होती है? जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी, वेरी गुड मॉर्निंग, फटाफट आंसर करो, जल्दी जल्दी। बोन्स किस किस से बनी होती है? बोन्स में क्या क्या है? बोन्स में है कैल्शियम, कैल्शियम का फॉर्मूला Ca2+Ca नहीं होता, Ca2+, ए छोटा होता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ए छोटा होता है, Ca2+। थाई की बोन में होता है बेटा विकी, और आपकी रीढ़ की हड्डी में होता है, हर बोन में नहीं पाया जाता। बिल्कुल सही, कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। फॉस्फोरस नहीं बेटा, फॉस्फोरस क्यों नहीं? फॉस्फोरस होता है पी, फॉस्फोरस क्यों नहीं? क्योंकि फॉस्फोरस के अंदर, फॉस्फोरस एक ज्वलनशील पदार्थ है,
फ्लेमेबल केमिकल है, जैसे ही इसको कुछ मिलेगा ये क्या करेगा, आग लगा देगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बेटा इस वेरी सैटरडे लूंगी, क्योंकि टाइम अभी कम है, इसलिए सीधा 50 क्वेश्चंस का होएगा सैटरडे, ठीक है। आकाश सब पढ़ाऊंगी इसी इसी वीडियो में पढ़ाऊंगी, थोड़ा समय दो बस, शायद 13-14 क्लास हो गई होंगी ये। विशाल फॉस्फेट, बिल्कुल सही राहुल, 13-14 क्लास के अराउंड कुछ हो गया होगा। चलो अब फॉस्फेट क्यों, देखो भाई मुझे पता है आप लोगों ने 10 दिन से खाना नहीं खाया, आपको जैसे ही मैं शादी में ले जाऊंगी ना तो आप बहुत सारा खाना खाओगे, भूखों की तरह खाओगे, बेइज्जती करा दोगे। तो हमको पता लग गया कि भाई ये तो ऐसे करेगा, इसको भूख लग रही है, तो हमने क्या करा, इसको घर में पहले ही बहुत सारा खाना खिला दिया। अब शादी में ले जाकर अगर वो इसको ये बोलेंगे ना भाई और खाना खा ले, अगर वो मुंह में भी डालेंगे तो भी नहीं खाएगा। सेम इसी तरीके से फॉस्फोरस क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके इसको आग लगा देता है, फ्लेमेबल कर देता है, आग लग जाती है। तो हमको पता है जैसे ही फॉस्फोरस को ऑक्सीजन मिलेगा ये आग लगा देगा, हमने पहले ही उसको ऑक्सीजन दे दी, भाई जितनी ऑक्सीजन तुझे चाहिए थी तू पहले ही रख ले, आग मत लगाइए। अगर फॉस्फोरस आपके दांतों में होता, अगर फॉस्फोरस आपके दांतों में होता बेटा, तो आपके दांत या हड्डी जैसे ही रगड़ खाते आग लग जाती। क्या कभी किसी की हड्डियों में आग लगी है? बिल्कुल बच्चे, अच्छा आप लेट आए हो, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके एनडीए के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है वो लोग जाके प्रीवियस वीडियोस देख कर आइएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने 2012 तक करा दिए, ठीक है। बाकी मैं आपके फटाफट से सैटरडे और संडेज में बड़ी बड़ी क्लासेस लेकर 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस का मॉक करा कर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका मॉक करा दूंगा, सो दैट कि प्रीवियस ईयर ना छूटे। बेटा प्रीवियस ईयर वैसे भी छोड़ के नहीं जाना, आप कुछ पढ़ो या आप पढ़ पाओ, टाइम मिले या नहीं मिले, जीएस का प्रीवियस ईयर नहीं छोड़ना। जीएस का अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर जाते हो तो भी इनफ होएगा, प्रीवियस ईयर छोड़ के नहीं जाना बेटा। सिर्फ मैं बायो की बात नहीं कर रही हूँ, केमिस्ट्री का भी मैं कराऊंगी, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपके सब्जेक्ट है जीएस में कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। वेलकम एवरीवन जिसकी फर्स्ट क्लास है, अब क्रैश कोर्स ही चलेगा बेटा आपका। चलिए तो बोन्स किस किस से बनी होती है, बोन्स बनी होती है कैल्शियम से और फॉस्फेट से। बोन्स किस किस से बनी है, कैल्शियम से बनी है और फॉस्फेट से बनी है। जो वर्ड यूज किया जाता है बोन्स के लिए मैंने पहले ही बताया था, ऑस्टियो वर्ड यूज किया जाता है। तो स्टडी ऑफ बोन को हम क्या बोलेंगे, फटाफट से मुझे आंसर करो कमेंट बॉक्स में। अगर बोन के लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं ऑस्टियो, तो स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलेंगे, NaCl क्या होता है बेटा, Na जहां पर भी जाएगा वहां पर क्या करेगा, डीकॉम्पोज कर जाएगा, उसके ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। अब ये कैल्शियम और फॉस्फेट से बना है, कैल्शियम और फॉस्फेट को रिप्लेस करना शुरू करेगा, जिससे क्या होगा हड्डिया गलना शुरू हो जाएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट की क्लास चल रही है बेटा, वेरी गुड आकाश। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो का मतलब हो गया आपका बोन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। आगे चलो, ठीक है। अब हड्डियों को भी तो इसको ध्यान से सुनना, एनडीए एनडीए 2019 का क्वेश्चन है ये, 2019 का नहीं सॉरी 2009 का क्वेश्चन है ये। ब्लड जो सप्लाई होता है बोन को वो एक कनाल के थ्रू जाता है, मैंने आप लोगों को हार्ट पढ़ाया था तब मैंने बताया था हर हड्डी को, हमारी हर हड्डी को, हमारे हर ऑर्गन को बोन्स चाहिए। बोन्स तक मतलब हर ऑर्गन तक जो ब्लड ले जाती है वो आर्टरीज होती हैं, जिसको हम लोग धमनी बोलते हैं, और जो वापस सॉरी जो लेकर हड्डी तक ले जा रही है वो आर्टरीज है, जो हड्डी से वापस लेकर आ रही है वो वेन है, जिसको हिंदी में हम लोग शीरा बोलते हैं। ये मैंने आपको जब हम लोगों ने हार्ट पढ़ा था टॉपिक तब भी पढ़ाया था,
जिन लोगों ने हार्ट नहीं पढ़ा है वो जा करके देख लीजिएगा, हार्ट बहुत बड़ा सा 3 घंटे का टॉपिक पढ़ाया था संडे को, सैटरडे को सॉरी, तो आप लोग हार्ट जा करके देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा। उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें धमनियाँ शीरा ये सब पढ़ाया था। तो जो ब्लड सप्लाई होता है बेटा बेन बोन को, वो एक कनाल, एक नर्व, एक पतली सी गली जा रही होती है उसके द्वारा सप्लाई होता है, उस गली को बोलते हैं हावर्सियन कनाल। हावर्सियन कनाल बेटा हिंदी में भी इसका नाम यही है, हावर्सियन कनाल। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून, बिल्कुल बिल्कुल सचिन मांगते हैं बेटा। जो प्रोटीन बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है ओएसिन, जो प्रोटीन आपका बोन्स में प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है ओएसिन। डायरेक्ट क्वेश्चन जब मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगी ना तब देखना उसमें मिलेगा, क्वेश्चन आया कि नेम द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन बोन्स, नेम द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन बोन्स, उसका नाम क्या है ओएसएन। ये स्पेशलाइज प्रोटीन होता है जो सिर्फ बोन्स में पाया जाता है। ठीक है चले आगे, क्या क्या है कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट पूछ रहे हो बेटा राहुल, बिल्कुल सही विशाल, वेरी गुड। क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। चलो टोटल नंबर ऑफ बोन्स एक ह्यूमन बॉडी में कितनी होती हैं? कमांड क्या है, मतलब क्या है, किस से रिलेटेड पूछ रहे हो आप? नंबर ऑफ बोन्स एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। सबने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है, सबको पता होगा हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 206। कितनी हड्डियां होती हैं, 206। चलिए, पर जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तब हमारे पास कितनी हड्डियां होती हैं, तब हमारे पास होती है 300 हड्डी। तो भाई हम जब बड़े होते हैं तो हड्डियां क्या होती है, खत्म हो जाती हैं क्या? बिल्कुल सही, वेरी गुड। बच्चों में कुल कितनी हड्डी होती है बेटा? इसके हिंदी के नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मैंने रखे हैं, जिन लोगों के पास नहीं है वो वहां से ले लीजिएगा, सब रखा हुआ ही है। बच्चों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, बच्चों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 300। क्यों ऐसा? आपने देखा होगा बच्चे का जो हाथ होता है वो बच्चा ऐसा नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये वाली जो हड्डी है ये आपस में जुड़ी नहीं है, अलग है और सॉफ्ट है। जैसे ही बच्चा हाथ खड़ा करेगा हड्डी मुड़ जाएगी और हाथ नीचे गिर जाएगा, तो बाद में क्या होता है ये हड्डियां जुड़ जाती हैं इसलिए कम हो जाती हैं। तो कौन से बच्चे तक 300 रहती हैं? जब हम लोग मतलब एक बच्चा अपने आप हाथ अपने हाथ पैर पे खड़ा होने लग जाए, खड़ा होकर के चलने लग जाए, तो उसके पास कुल 206 हड्डी हो गया, उससे पहले 300 होती है। ठीक है, वैसे जब हम लोग आप पढ़ोगे ना तो 270 भी पढ़ोगे, 270 हड्डी है बच्चों के पास। आप 420 भी पढ़ोगे, आप 510 भी पढ़ोगे, 510 तो गलत है इतनी तो होती नहीं है। ठीक है, 270 420 इतनी होती है, पर जब आप ये पढ़ोगे बेटा आप लोग के एग्जाम के लिए 300, आप लोग ये मार्क नहीं करोगे 207 420, यानी आप लोगों के लिए 300। नेक्स्ट, अपेंडिकुलर स्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम, जितनी भी हड्डियां होती हैं इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, परिसंचालक, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र और एक्सियल स्केलेटन, यानी कि आगे वाला हिस्सा, बीच वाला जो हिस्सा है। पैरालिसिस भी बताऊंगी, अभी पहले इसको देखो। आप देखो ये वाली है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में आपके हाथ आ गए, आपके पैर आ गए, और एक्सियल में आपका फेस आ गया, आपकी पसलियां आ गई, आपकी रीढ़ की हड्डी आ गई। तो ये क्या है,
ये एक्सियल स्केलेटल है और ये क्या अपेंडिकुलर स्केलेटल है। ठीक है अक्षय, अभी तो बताया बेटा आपकी हड्डियां जुड़ी हुई नहीं होती। ठीक है हाँ हजार हो सकती है अगर आप सांप या सांप हो। ये कैसा क्वेश्चन था, सांप में बहुत ज्यादा हो सकती है या फिर आपका जो क्रोकोडाइल होता है उसमें नंबर ज्यादा होता है, इंसानों में नहीं हो सकती आशीष। अगर आप इंसान हो तो नहीं हो सकती, बाकी अगर आप कुछ और बन जाओ तो हो सकती है। ठीक है चले आगे बेटा, मेल स्केलेटन फीमेल स्केलेटन एक बोन से पता लगता है। यहाँ पर एक बोन होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। जब हम लोगों को मिलती है कभी भी आपकी बोन्स, कभी भी कोई हम लोग को स्केलेटल सिस्टम मिला तो जब हम फॉरेंसिक में भेजते हैं तो हम तुरंत बता देते हैं लड़का था या लड़की थी, वो स्टर्नम से पता लगती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन, डेवलप्ड इन फीमेल्स बट नॉट डेवलप्ड इन मेल्स। बेटा आपके इसी चैनल के ऊपर द कोच नाम से उन्होंने पूरा डिस्कस किया है कि क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे पेपर आते हैं, आप जाकर के वहां पर एक बारी देख लीजिएगा। ठीक है पीडीएफ में यस एनडीए का फुल सिलेबस कवर है सुनील। देखो आप एक्सियल बोन से शुरू करने जा रहे हैं, एक्सियल बोन में क्या आ गई स्कल आ गया। स्कल क्या होता है बेटा, आपका ये वाला हिस्सा होता है यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे हिस्से को स्कल बोलते हैं। वर्टीब्रास भी बोलते हैं या हम इसको हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ साथ के साथ वर्टीब्रा, या इसको वर्टीब्रल कॉलम भी बोलते हैं इंग्लिश में। वर्टीब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके एग्जाम में रीढ़ की हड्डी नहीं आता लिखा हुआ, वर्टीब्रल कॉलम को हिंदी में वर्टीब्रल कॉलम लिख देते हैं। ठीक है तो वर्टीब्राज या वर्टीब्रल कॉलम एक ही है। रिब केज मतलब हो गया आपकी पसलियां, और स्टर्नम एक आगे का हिस्सा होता है, स्टर्नम को स्टर्नम ही बोलते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी कि वो बात कर रहा है ईयर की। हायोइड आपके गले में एक बोन होती है, उसका नाम हायोइड होता है, यू शेप की बोन होती है। कहाँ होती है कैसे होती है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है विक्की क्लास के एंड में बेटा मैं पूरे लिंक्स दे दूंगी आपको। ठीक है क्लास के स्टार्टिंग और एंड दोनों में लिंक्स दे देती हूँ। जिन जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने नहीं लिया है पीडीएफ, उन लोग को मैं अभी बता दूंगी क्लास के एंड में। ठीक है पहले पढ़ लें। ये देखो बेटा ये स्कल होता है, आपको इसके ऊपर ये दिखाई दे रहा है लाइंस। आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी की डेथ हुई, उसका संस्कार करने के लिए गए, उसको जलाया, हम लोगों में जलाते हैं, कई जगहों पे दफनाते हैं, पर आपने देखा होगा जब हम लोग दफनाते हैं किसी को, सॉरी जब हम लोग जलाते हैं तो जब हम उसको मतलब वो जला देते हैं तो कुछ समय के बाद एक बड़ा सा डंडा लेकर इसको फोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं टूटता। अगर मुझे आप लोगों का ब्रेन निकालना है तो मैं आपका ब्रेन कैसे निकाल सकती हूँ, यहाँ से आधी लेकर काटना पड़ेगा इसको। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आप लोगों का ऑपरेशन कर, अगर आप लोगों के ब्रेन में कोई सर्जरी है, हेमरेज है या किसी भी तरीके का मुझे ऑपरेशन करना है, भाई ये तो हड्डी कट रही है तो वैसे ही मर जाओगे, तो ऑपरेशन कैसे करेंगे। ये क्या होता है बेटा, ये ना पजल्स की तरह होती है, इस तरीके से पजल्स की तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस हिस्से से ऑपरेशन करना है तो हम इस हिस्से को पजल की तरह बाहर निकालेंगे, आपका ऑपरेशन करेंगे, इसको वहां पर फिक्स कर देंगे। ठीक है क्योंकि हम यहाँ से काट नहीं सकते। विशाल हायोइड बोन ना बेटा अभी बताऊंगी, आगे आएगा दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। ठीक है बेटा ये एक ऐसी बोन है जहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं है, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग बोन होती है कि हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते, और ब्रेन तो इसके बीच में है ना, तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। अब हम इसे तोड़ेंगे तो आप लोग तो मर जाओगे, इसीलिए अगर आपने आग लगाई इसे नहीं तोड़ोगे तो ये फटेगा, इसे तोड़ना जरूरी है। सचिन सैनी द कोच करके एक बहुत वीडियो बनाया था जब आप लोगों का आउट हुआ था, ये सब फॉर्म वगैरह जब निकले थे, तो द कोच से एक वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप जहाँ पर देखिए जाकर के देखिएगा बेटा, सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, परसेंटेज कैसे कहाँ क्या सब दिया हुआ है। स्कल को हम लोग सिफेलिक रीजन भी बोलते हैं, सिफेलिक साइंटिफिक नेम है बेटा इसीलिए इसका हिंदी नहीं होगा। ठीक है स्कल को क्या बोलते हैं, सिफेलिक रीजन। हमारे पास स्कल में टोटल कितनी बोन होती है, हमारे पास टोटल होती है 22 बोन, 22 बोन्स होती है।
पजल नहीं होता बेटा, मतलब आपका पूरा का पूरा ब्रेन ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स की तरह लगा हुआ होता है। जहां पर भी मुझे आकाश ऑपरेशन करना है उस ब्लॉक का निकालूंगी, ऑपरेशन करूंगी, ब्लॉक लगा दूंगी, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले तो लाइक कर लो जल्दी से। देखो ये बोन्स हैं, आप इसको देखो, मैं आपको बताती हूँ। पेराइटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, इथमोइड, स्फीनोइड, टेम्पोरल, ये सब मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फिलहाल आप इसको देखो, ठीक है। वॉमर, मैग्जिला, नसल बोन, क्राइमर बोन, जाइगोमेटिक बोन, ये सारी कहाँ कहाँ होती है बस मुझे देखते रहना। देखो अभी तक तो हमें लग रहा था कि बेटा एक्सटेंड होगा, हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत मुश्किल है लेना, पर क्योंकि इन्होंने एडमिट कार्ड आउट कर दिए हैं, अब लेट्स सी। वेरी गुड। क्रेनियल नर्व दो पार्ट में डिवाइड होती है, स्कल सॉरी, आपका जो स्कल होता है बेसिकली, स्कल दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है क्रेनियम, एक होता है आपका, इसको कपाल बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है आपका फेस, चेहरा। तो क्रेनियम में कुल होती हैं 8 बोन और चेहरे में होती हैं 14 बोन, प्लस करोगे तो 22 बोन हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलो, क्रेनियल, अब मुझे देखते रहना, यहां मत देखो मुझे देखो। ये स्ट्रक्चर 2D में है, ठीक है, अब मुझे देखो, मैं आपको बताती हूँ कहां पर क्या होता है। फ्रंट हिस्सा है, ये फ्रंट भाग है, क्योंकि ये फ्रंट है इसलिए फ्रंटल। इसके बिल्कुल पीछे यहां पर पैराइटल, ठीक है, यहां पे फ्रंटल होता है, ये होता है पैराइटल। राइट हैंड साइड पर आपका होता है टेम्पोरल और लेफ्ट हैंड साइड पर होता है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल कानों के लिए यूज करते हैं, टेम्पोरल कानों के लिए यूज करते हैं, दोनों वर्ड का मतलब है कान। फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ठीक है। देखो पोस्टपोन होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है हमको। इंग्लिश की क्लासेस चल रही है बेटा ऑलरेडी, सुमन शर्मा मैम ऑलरेडी क्लास ले रही है, आप चेक करो। विपुल, अगर आप लोग को नहीं, मतलब अगर आप लोग को क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो मैं आप लोगों को लिंक्स भेज दूंगी सारे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर ही अगेन लिंक भेज दूंगी सारे, ठीक है। चलो फटाफट से देखते जाओ, फ्रंटल, यहाँ पर पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं इथमोइड और स्फीनोइड, ये वाला हिस्सा, ये जो यहाँ बना रहा है साइड में, इसको बोलते हैं स्फीनोइड। यहाँ वाला हिस्सा देखो जो आईज के अंदर ये बना रहा है, इसको बोलते हैं इथमोइड। फ्रंटल हमारे पास एक होती है, ऑसिपिटल एक होती है, इथमोइड एक होती है, स्फीनोइड एक होती है, पैराइटल दो होती है, टेम्पोरल दो होती है, प्लस करोगे 8 हो जाएंगे। ये जो नाम है ना, अगर ये नाम आप लोग से नहीं याद होते आप याद मत करना, सिर्फ इनको पढ़ लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं बोन्स पर, लिख देगा इथमोइड ये कहाँ की हड्डी है बताओ, तो आपको ये बताना पड़ेगा ये कहाँ की हड्डी है, ठीक है। देखो यार क्या होता है, कैंसिल होगा या नहीं होगा, वेट करो, अगर आप लोगों का कैंसिल हुआ तो डेफिनेटली नीट भी कैंसिल होगा। अक्षय बताया था बेटा मैंने अभी, क्योंकि जुड़ जाती है बड़े होने पर, पता नहीं सितंबर में बोल रहे हैं कि न्यूज खुल जाएगा, ऑल दो हम लोगों को ये भी पता है कि नेक्स्ट मंथ से इंस्टीट्यूट खुल जाएगा, लेट्स सी क्या होता है। देखो बहुत सारी गाइडलाइंस आती हैं, जब तक स्टार्ट नहीं हो जाए ना बोल नहीं सकते। नेक्स्ट अब बात करते हैं फेस की। मैंने आपको बोला फेस में कितनी हड्डियां होती हैं, 14। सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे, अपर जॉ, अपर जॉ होता है मैग्जिला, लोअर जॉ होता है मैंडिबल। अपर जॉ को बोलते हैं मैग्जिला, लोअर जॉ को बोलते हैं मैंडिबल। नसल, कॉकलिया, ये वाला जो नीचे हड्डी है ना, ये रहा, ठीक है, नसल कॉन्क्लिया बोलते हैं, या नसल इंफीरियर नसल कॉन्का बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको।
जो बिल्कुल बीच में हड्डी होती है अंदर की तरफ, इसे बोलते हैं वॉर्मर। यहाँ नहीं नजर आती, अंदर की साइड पर होती है, उसे बोलते हैं वॉर्मर। ठीक है, यहां पर ये वाला हिस्सा जो जॉ के पास है इसको बोलते हैं जायगोमेटिक। आप ये भी बोल सकते हो, चीक बोन भी बोल सकते हो इसको, जायगोमेटिक हियरिंग। ठीक है, आंखों के ये वाला हिस्सा जो आंख और ये बना रहा है, दैट इज लेक्राइमल। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक लेक्राइमल है, ये थायमॉइड है, थायमॉइड से स्टार्ट करता हुआ लेक्राइमल है। और इस हिस्से को बोलते हैं जो यहां होता है ये वाला, इसको बोलते हैं पैलेंटिन। तो बेसिकली कितनी हड्डी हो गई, वॉर्मर हो गई। वॉर्मर पता है आपको, वो वाली हड्डी होती है जब कभी एक्सीडेंट होता है ना, मतलब सॉरी जब एक्सीडेंट कर रहे हो, जब कभी आप लोग को पंखे से लटक के कोई मरता है, जान देता है, सुसाइड करता है, तो वॉर्मर हड्डी टूट जाती है, ये गले के यहाँ पाई जाती है। ठीक है, मतलब अंदर की तरफ से होती है, नाक के पीछे इधर यहाँ पाई जाती है। जब हम कभी भी किसी को फांसी चढ़ाते हैं ना, तो वॉर्मर टूट जाती है। अगर मैं किसी को मार के फांसी पर लटकाऊंगी तो वॉर्मर नहीं टूटेगी। ये तरीके से हम लोग पता करते हैं कि भाई ये जो बंदा है इसको मार के लटकाया गया है या ये फांसी लेकर ही मरा है। वेरी गुड आफ्टरनून, हाँ सही सुमित, थैंक यू यार। चलो नेक्स्ट, तो फेशियल में 14 बोन कैसे हो गई, एक एक कौन सी है, वॉर्मर एक है, मैंडिबल एक है। बेटा जो लोअर जॉ होता है ना आपका, जो नीचे वाली हड्डी होती है आपकी, ये नीचे वाली हड्डी जुड़ी भी नहीं होती। बच्चा जब ये लोग क्लास लगा देंगे ना अकेडमी पर, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, मैं कोई डेट प्रॉमिस नहीं करूंगी, क्योंकि जब भी बोलती हूँ क्लास नहीं लगती, तो जब क्लास लग जाएगी आई विल बी देयर। ठीक है, ये वाला जो हड्डी होती है मैंडिबल जो है, मैंडिबल अलग हड्डी है और बाकी पूरी हड्डी अलग है। मैंडिबल क्या करते हैं, आपका जो स्कल होता है, स्कल अलग होता है, मैंडिबल अलग होती है। मैंडिबल हड्डी यहाँ और यहाँ अलग पेच से, अलग हड्डी से जुड़ी होती है। अगर मैं आपका स्कल निकालूंगी तो मैंडिबल नहीं निकलेगा, मैंडिबल हड्डी अलग होती है। ठीक है, ये बाद में जुड़ती है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब जुड़ा है। इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है, कोई भी पेच नहीं लगा, जॉइंट है पर इमूवेबल, कोई मूवेबल जॉइंट नहीं है। ये वाला जो है दैट इज मूवेबल जॉइंट। ये देखो, जब हम बोल रहे हैं, बोलने पर आपका अपर जॉ नहीं हिलता, बोलने पर सिर्फ और सिर्फ आपका लोअर जॉ हिलता है। कई बार ऐसे भी होता है कि आपका ये जो जॉ होता है ये उतर जाता है, फिर हम लोग इसको खींच के वापस ऊपर पेच में चढ़ाते हैं, फिर आपका मुंह हिलने लगेगा। बेटा ये जो भी नाम है ना, वॉर्मर, मैंडिबल, ये बेटा साइंटिफिक नेम है, इसकी हिंदी नहीं होगी। साइंटिफिक नेम की कोई और लैंग्वेज नहीं हो सकती, साइंटिफिक नेम को इसी तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ऑल्दो आप लोगों को सारे नाम याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ एक बार ही पढ़ लेना है कि वॉर्मर, मैंडिबल, मैक्सिला, जायगोमेटिक, नसल, नसल कॉन्क्लियर, एक्राइमर और पैरेंटीन, ये कहाँ पर है, ये आपके फेस की बोन्स हैं, फेशियल बोन्स हैं। आगे चलिए, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर बोन्स कौन सी होगी, ये भी हमने पढ़ ली। अपेंडिकुलर बोन में अपर आ गई 64 बोन्स, लोअर आ गई 62 बोन्स, यानी कि वो हाथ की बात कर रहा है। ठीक है, हाथ की वो क्या बात कर रहा है, हाथ में बोलता है वो भाई 64 ऊपर हो गई, 62 नीचे हो गई। अपर 64 हो गई और नीचे कितनी हो गई भाई, 62 हो गई। उससे पहले हम लोग रीढ़ की हड्डी करेंगे, वर्टिब्रल कॉलम करेंगे पहले। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। बेटा देखो, तीन चीजें अलग अलग होती हैं। एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, एक होती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब होती है मेरु रज्जा। ठीक है, दैट इज अ नस, एक नर्व है वो, बस वो हड्डी नहीं है। उस नस के ऊपर हड्डियों का ढांचा इस तरीके से, एक नस है, इस नस के ऊपर देखो ऐसे हड्डियां जुड़ी हुई हैं, ये रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के बीच में स्पाइनल कॉर्ड है। आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग बोलते हो भाई मेरी स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द नहीं हो सकता है, या आप लोग स्पाइनल कॉर्ड को भी रीढ़ की हड्डी बोलते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा, रीढ़ की हड्डी अलग होती है और स्पाइनल कॉर्ड अलग होती है। देखो इसके बीच में जो ये जगह है ना, यहाँ पर एक नस जाती है ऐसे, ये उस नस को प्रोटेक्ट करता है। ये जो नर्व है, दैट नर्व इज स्पाइनल कॉर्ड, बाकी सारी बोन्स हैं इसकी तरफ। ये देखो ये सब क्या है, बोन्स हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है बेटा पोस्टमार्टम में ना, ये सीखनी पड़ती हैं।
आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैम आपने जो 2-3 साल में पढ़ा है ना वो हमें 1 घंटे की क्लास में बता दो। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। फिंगरप्रिंट्स से पता लगा सकते हैं, बोन्स की ओरिएंटेशन से पता लगा सकते हैं, भैया बोन कितनी बड़ी है उसका काम पता लगा सकते हैं, कौन सी हड्डी टूटी, कैसे मरा, बहुत सारी हैं। सोनल मैंने कल इन्फॉर्म तो किया था बेटा कि अब से क्लास 12 बजे हुआ करेगी, 12 से 1। मैंने क्लास में बेटा इन्फॉर्म तो किया था कि अब से क्लास 12 से 1 हुआ करेगी। ठीक है, अब से रेगुलर क्लास कब होगी? 12 से 1 हुआ करेगी हमेशा। चलो आगे, ये वाली जो बोन होती है देखो यहां पर, ये ऊपर, ये होती है सर्विकल बोन। आप लोग बोलते हो ना सर्वाइकल का पेन हो रहा है, वो इसी जगह पे होता है ना आपका सर्वाइकल का पेन, इसलिए इस बोन को सर्विकल बोन बोलते हैं। सर्विकल बोन कितनी होती है हमारे पास? 7। यहां पर जब हमने दिल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना दिल कहां पाया जाता है, बहुत बारी कर दिया अक्षय कमेंट। हेलो नीरज, हेलो एवरीवन, बताया था बच्चा जाए चेक करो एक बारी वापस उस वीडियो में। एंड में मैंने बोला कि कल से क्लास आपकी 12 से 1 लूंगी। चलो कोई बात नहीं, अब डेली 12 बजे होगी। ठीक है बच्चे, सचिन ठीक है, अब डेली 12 बजे होगी और सैटरडे संडे आपके मॉक्स होंगे। हम लोग लेक्चर्स लेंगे वीकडेज में और एंड में हम लोग मॉक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने आपको कैविटी का नाम बताया था, मैंने आपको बोला था हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है थोरैसिक कैविटी में। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है थोरैसिक कैविटी में, बताया था ये मैंने। तो ये हिस्सा क्या होगा, इस हिस्से को थोरैसिक बोलेंगे, यही प्रेजेंट होता है ना कहीं पर, यहाँ पर कहीं दिल प्रेजेंट होता है बीच की तरफ, इस हिस्से को थोरैसिक बोलते हैं, खाली जगह होती है इसलिए थोरैसिक कैविटी, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, थोरैसिक बोन बोला। तो थोरैसिक कितने होते हैं हमारे पास? 12 होती हैं। लंबर कितनी होती हैं? लंबर ये वाली बोन्स होती हैं, देखो लंबर होती हैं 5 बोन्स। यहाँ पे सैक्रम है, सैक्रम होती हैं 5 बोन, कॉकिक्स होती हैं 4 बोन। पर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं बेटा, तो बड़े होने पर ये हड्डियाँ एक एक हो जाती है। एडल्ट्स के अंदर जो लास्ट की बोन्स होती हैं सैक्रम और कॉकिक्स फ्यूज्ड हो जाती है। देखो ये फ्यूज होकर के एक ही बोन बना दी इसने, ये पूरी फ्यूज है, ये देखो ये भी पूरी फ्यूज है, इसको हम टेल बोन भी बोलते हैं, आपकी कॉकिक्स को, ये फ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो सर्विकल सुनो मैं उस पर डाल दूंगी बेटा ग्रुप पर, ठीक है, जब भी जैसे मुझे पता लगेगा। प्रणाम शुभम, सर्विकल 7 होती हैं, दोनों में 7 हैं, देखो सर्विकल बच्चे में भी हम में भी, थोरैसिक 12 है बच्चे में भी हम में भी, लंबर 5 है बच्चे में भी हम में भी, पर सैक्रम 1 हो जाती है हम में और कॉकिक्स 1 हो जाते हैं, कॉकिक्स को टेल बोन भी बोलते हैं। इस पर आपकी द कोच नाम से क्लास चलती है सारे जगह पर, द कोच नाम से क्लास चलती है सारी जगह पर, सारे सब्जेक्ट्स की मतलब। कॉकिक्स को हम लोग टेल बोन भी बोलते हैं, कॉकिक्स इज अ टेल बोन। ठीक है, इसीलिए अगर पूछा जाए कि भाई देखो, अगर वो पूछे रीढ़ की हड्डी कितनी होती है तो आप लोग 33 मार्क करोगे, पर अगर वो ये पूछे कि भाई आपके पास एडल्ट में एक व्यस्क में, एक व्यस्क मनुष्य में हड्डी टोटल कितनी होती है, तो कितनी होती है? 26। ठीक है, टोटल हड्डी कितनी होती है? 26 और इसमें 33। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 33 बेटा। बैकबोन ये वाली होती है, बैकबोन जिसे बोलते हो ये रही, वो कूल्हे की हड्डी, और ये होती है रीढ़ की हड्डी। बैकबोन किसको बोलना है, कूल्हे की हड्डी किसको बोलना है, इसका ध्यान रखिएगा, सब कुछ मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, बैकबोन आपकी हो गई ये कूल्हे वाली हड्डी जिससे आप बैठते हो, जिसको हिप बोन भी बोलते हैं, और ये वाली हो गई आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और इसके बीच में एक नस है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक है चलो अब बात करते हैं रिब केज। देखो ये जो पीछे नजर आ रही है ना, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, ये पूरा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये देखो ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी है पूरी, ये पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी के बाहर बहुत सी हड्डियां होती हैं ऐसे, ये देखो ये आगे हड्डी है, इसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, आगे जो हड्डी होती है। इस हड्डी पे देखो कैसे होती है, इधर देखना जरा, पीछे हड्डी है, पीछे हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम, आगे स्टर्नम, सारी हड्डी ऐसे मिल रही जुड़ी हुई है, कितनी जुड़ी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हड्डी तो जुड़ी है। 8वीं हड्डी इसके ऊपर चढ़ जाती है, 9वीं हड्डी भी इसके ऊपर चढ़ जाती है, 10वीं हड्डी भी इस पे चढ़ जाती है, और 11, 11वीं हड्डी और 12वीं हड्डी ऐसे खुली होती है, 11वीं हड्डी और 12वीं हड्डी ऐसे खुली होती है। देखो दोबारा दिखाती हूँ, पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम, आगे स्टर्नम, बोन नंबर 1, बोन नंबर 2, बोन नंबर 3, बोन नंबर 4, 5, 6, 7। अब जो 8th बोन है, वो 8th बोन ने क्या करा, 7 के ऊपर ही चढ़ गई, 9th बोन ने क्या करा, 7 के ऊपर ही चढ़ गई, 10th बोन ने क्या करा, 7 के ऊपर ही चढ़ गई ऐसे, ठीक है। और 11 और 12 कैसी हैं, फ्री हैं, ठीक है। तो ऊपर की शुरू की जो 7 हड्डी है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रू रिब्स, हिंदी में हम लोग बोलते हैं सत्य बसलियां, और 7 से 10 को हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, असत्य बसलियां। सत्य पसलियां, बिल्कुल सही, जो शुरू की 7 बोन्स हवा में जो आगे जाकर जुड़ रही हैं, ये ट्रू रिब्स हैं, सत्य पसलियां, जो नहीं जुड़ रही हैं इन्हें फॉल्स रिब्स बोलते हैं, असत्य पसलियां। 11 और 12 हवा में उड़ रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग बोन्स, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग बोन। 13वीं हड्डियां, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग बोन्स। बेटा ये जो 11 और 12 वाली बोन होती है ना, जो फ्लोट कर रही होती है, देखो यहाँ ये रही, पीछे से आगे नहीं आ रही, आपको साइड व्यू नहीं दिखाया ना इसलिए पता नहीं लग रहा है, पीछे से आगे नहीं आ रही है, पीछे से ही जुड़ी हुई है। ये वाली जो रिब्स होती है ना, ये किसी में भी एक्स्ट्रा हो सकती है, किसी में भी कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है 2 की जगह, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, तो ये 2 की जगह पर 1 भी हो सकती है, 1 की जगह 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो इसीलिए आपकी हड्डी या तो 206 हो सकती है, या आपकी हड्डी 207 हो सकती है, आपकी हड्डी 208 हो सकती है। कहता है कई सारी बुक्स में ये लिखा है कि लड़कियों के पास 208 हड्डी होती है, लड़कों के पास 206 होती है, गलत है ये। लड़कियां कोई अलग प्रजाति की नहीं होती हैं कि उनके पास 208 हड्डी होगी, 206 होती है, 208 हो सकती है, 209 हो सकती है, किसी के भी पास हो सकती है, हो सकता है भाई इसके पास हो सकता है इसके लड़के के पास हो, कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में होता है बेटा विपुल, एनडीए का एग्जाम बेटा इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, पर देखो जो इनके नाम है ना, जैसे स्टर्नम हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, बच्चा इसके नाम ना बदले नहीं जाते, स्टेपीज हो गया, इनकस हो गया, मैलस हो गया, क्योंकि ये जो नाम है ना सारे, ये सारे नाम साइंटिफिक नेम्स हैं, मतलब साइंस के नाम है, तो इन नामों को आप हिंदी में नहीं लिख सकते, ये नाम है ना, ये बदले नहीं जा सकते, ठीक है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि भैया लड़कियों में 208 हड्डी होती है, गलत है, किसी में भी 208 हो सकती है, कोई भी इंसान में, पर फिर भी ज्यादातर जो हड्डी कॉमनली पाई जाती है दैट इज 206 बोन्स, तो हम क्या बोलते हैं भाई सब में कितनी हड्डियां हैं, दैट इज 206 बोन्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो टोटल रिब्स और स्टर्नम को मिलाकर देखेंगे 25 हड्डी हो जाएंगी, पर अगर आपसे पूछा जाए रिब्स में कितनी हड्डियां हैं, दैट इज 12 पेयर,
यानी कि 24 बोन्स पसलियों में, और स्टर्नम कितनी होती है हमारे पास, स्टर्नम होती है हमारे पास एक। डन। दीपक बेटा ये स्टर्नम को ही बोलते हैं बच्चे ब्रेस्ट बोन, ठीक है। अच्छा बारिश की वजह से, यार बारिश की वजह से तो यहाँ पर भी कल यही हो रहा था, बताया था ना मैंने भी। कोई बात नहीं बच्चा, ये वीडियो आपके पास रखी है, अगर आप लोग अभी नहीं पढ़ पा रहे हो लाइव, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमें आप लोगों की पढ़ाई से है कि भाई आप पढ़ लो, एग्जाम में हड्डियों पे से एक या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो एक दो क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आसान है, हड्डियां पढ़नी है सिर्फ, भाई किसमें कितनी है। फटाफट से पहले मुझे आंसर कीजिएगा, क्रेनियम कपाल ये वाला हिस्सा, यहां से यहां तक जो हिस्सा है इसमें कितनी हड्डियां हैं टोटल, जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसमें टोटल कितनी हड्डियां हैं, यहां से यहां तक कपाल क्रेनियम कितनी हड्डियां हैं इसमें, इसमें होती है भाई 8 हड्डियां, 8 बोन्स। फेस चेहरा, चेहरे में कितनी हड्डियां हैं, चेहरे में हड्डियां 14, 14 बोन्स। यहां से लेकर यहां तक पूरा स्कल, स्कल में कितनी हड्डियां हैं, 14 + 8 22 बोन्स। आगे आ जाओ रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां हैं, पर अगर वो स्पेशल लिख करके दे कि भाई एडल्ट में कितनी हड्डियां हैं तो 26 हड्डियां हैं। रिबकेज पसलियां, पसलियों में कितनी हड्डियां हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड, फटाफट से आंसर करो साथ के साथ। पसलियों में कितनी हड्डियां हैं बेटा, पसलियों के अंदर हमारे पास है 12 पेयर बोन्स, यानी कि 24 हड्डी, ठीक है। आगे चलूं, कान में कितनी हड्डी होती है और कैसे होती है जरा देखो, बिल्कुल सही, कान में होती है आपके पास 6 बोन्स, 2 कान है इसीलिए 6 बोन्स। ये पूरा स्ट्रक्चर है बेटा कि यहाँ पर हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये 3 हड्डियाँ होती हैं जो आपकी आवाज़ निकालते हो, आवाज़ जब आप निकालते हो तो उसको सुनने के लिए, उसको डीकोड करके ब्रेन तक, सॉरी ब्रेन तक पहुँचाने के लिए बोन्स की ज़रूरत होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये 3 हड्डियाँ, ये देखो एक ये छोटी सी हड्डी जिसको मैंने पूरा रेड कर दिया है, ठीक है, और ये 2 हड्डियाँ, ठीक है। तो बेसिकली कान में 6 हड्डी होती है बेटा रोहित, सही, 3 होती है पर 2 कान है ना बच्चे, इसीलिए 6 हड्डी हो जाएगी, 2 कान 6 हड्डी। तो 6 हड्डी कितनी होती है, मैलस इनकस स्टेपीज, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा कि भैया मैलस किसकी हड्डी है, कहाँ पाई जाती है, चांसेस आर 50-50% बेटा पोस्टपोन के। ठीक है सुमित, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ऑडिटरी ऑसिकल कान में 6 हड्डियां हैं, इनकस मैलस एंड स्टेपीज, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। देखो बेटा मैंने आपको बताया था ना, विशाल आप पूछ भी रहे थे कि मैम हायोइड बोन कौन सी है, बेटा गले में पाई जाती है, यहाँ पर यू शेप की बोन होती है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर निकाल के देखोगे ना तो यू शेप की बोन होती है, इसको हायोइड बोन कहते हैं। इसके नीचे लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं, आवाज़ जो निकलती है वो लैरिंग से निकलती है, ठीक है। दिस इज फॉर एनडीए, यस नितेश, ये मैंने अभी बताया था बेटा कि चांसेस कैंसिल होने के 50-50%, एक्सपेक्टेड नहीं था कि एडमिट कार्ड भी आएगा। थायराइड बेटा ग्लैंड होता है, ग्लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बोन्स बनाई जाती हैं, थायराइड इज अ ग्लैंड, ये भी गले में पाया जाता है, बटरफ्लाई की तरह पीछे से एक बोन निकल रही होती है, उस बोन के साथ में इस तरीके से बटरफ्लाई शेप का बना हुआ होता है, ये भी जब पढ़ाऊंगी तब देखना, ठीक है। सबसे छोटी बोन स्टेपीज होती है कान में, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्टेपीज इन ईयर, कहां पाई जाती है, कान में। नेक्स्ट, सबसे बड़ी हड्डी कहां होती है, पहले उसको हम पढ़ेंगे फिर हम आगे चलेंगे, ये रह गया था ना बीच में पेंडिकुलर, अपर एंड लोअर, मैंने आपको बताया था अपर में आ गया आर्म्स,
और लेग्स और लोअर में आ गया आपके लेग्स एंड फीट। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। चलो अब इधर देखना, मुझे देखते रहना, यहाँ देखना पहले। ये वाली हड्डी बेटा, ये जो कंधा है आपका, ये वाली हड्डी है ना, ये रहा इधर, इसको बोलते हैं स्कैप्यूला। यहाँ एक हड्डी नजर आ रही होगी, ये वाली बोन। यहाँ पर हाथ लगा के देखो, ये वाली जो हड्डी है, इस हड्डी को हम लोग बोलते हैं क्लेविकल। इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ऐसा बोलते हैं कि अगर ये बोन नजर आती है ना, तो ब्यूटी, जो इंसान बहुत सुंदर होता है उसकी ये नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है वो इंसान कुपोषित है बेचारा, कमी है खाने की, है ना। चलो आगे चलो, पीछे स्कैप्यूला हो गया, आगे की क्या हो गया, आगे हो गया क्लेविकल। ये वाली हड्डी जिसमें आप डोले शोले बनाते हो, ये हड्डी, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। आगे यहां पर बच्चे दो हड्डियां होती हैं। ये अगर मैं अपने हाथ अपनी मुंह की तरफ करूं, अगर मैं हाथ अपने मुंह की तरफ करूं, तो बाहर वाली हड्डी इज अल्ना, अंदर वाली हड्डी इज रेडियस। ये रेडियस है, ये अल्ना है, ठीक है। ये रेडियस है, ये अल्ना है, ये ह्यूमरस है। पीछे जो कंधा है इसको स्कैप्यूला बोलते हैं, ये वाली हड्डी को क्लेविकल बोलते हैं। देखो ये, यहाँ ये रही हड्डी, दैट बोन इज कॉल्ड एज क्लेविकल, ठीक है। और हाथ को अगर अपनी तरफ करूं, तो बाहर जो है दैट इज अल्ना, और ये क्या है, अंदर की तरफ है रेडियस, ठीक है। ट्राइसेप्स तो बेटा मसल होगी ना, जहां पे मसल बनाते हैं, ये वाली जो हड्डी होती है, इस हड्डी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। बिल्कुल नितिन कुमार, जब तक तो तुम्हारे पेपर नहीं हो जाते मैं ऐसे ही पढ़ाती रहूंगी, ठीक है। ये वाली हड्डी हो गई आपकी ह्यूमरस, फेस करा अल्ना, रेडियस, कंधा स्कैप्यूला, ये वाली हड्डी क्लेविकल, ठीक है। आगे चलो, मैं लिख भी दूंगी अभी। ये वाली हड्डी देखो, कलाई, कलाई को हम लोग बोलते हैं बेटा कार्पल। हथेली, हथेली को हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल, ठीक है। यार अरुण पागल नहीं कर रही हूँ बच्चा, मुझे पता है नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, पर आप मुझे सुन लोगे ना, आप लोग नाम से बता दोगे ये हड्डी कहाँ पाई जाती है। पढ़ना तो पड़ेगा ना बच्चा, छोड़ के तो हम नहीं जा सकते ना अरुण। आई एम सॉरी यार अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हूँ, पर बच्चा पढ़ना पड़ेगा, नो ऑप्शंस, ठीक है। अरुण सुनो ध्यान से, सुनोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कलाई, कलाई को बोलते हैं कार्पल। हथेली, हथेली को बोलते हैं मेटा कार्पल। उंगलियां, उंगलियों को बोलते हैं फेलेंजिस, उंगलियों को बोलते हैं फेलेंजिस। देखो स्कैपुला हो गया आपका कंधा, ये हो गई आपकी ब्यूटी बोन जो आपके गले पर है। ह्यूमरस फोरआर्म, फोरआर्म को आप क्या बोलते हो, इसको क्या बोलूं हिंदी में, क्या बोलते हो इसको, जहां पर आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स होते हैं ना, वो वाला, ठीक है। हम लोग इसको फोर आर्म भी बोलते हैं। आगे ये वाला हिस्सा, रेडियस एल अल्ना, कार्पल को हम लोग बोलते हैं आपकी कलाई, और मेटा कार्पल को हम लोग बोलते हैं हथेली, और फेलेंजिस को हम लोग बोलते हैं उंगलियां। बेटा ये जो भी नंबर इन्होंने दिए हैं ना, ये दो दो के दिए हैं, दोनों हाथों के दिए हैं, ठीक है। एक हाथ में एक स्कैप्यूला होता है, एक क्लेविकल होता है, ह्यूमरस एक होता है, रेडियस एक होता है, अल्ना एक होता है, मेटाकार्पल पांच होते हैं, कार्पल आठ होते हैं, और फेलेंजिस 14 होते हैं, ठीक है। अगर एक हाथ की बात करूंगी तो डिवाइड कर देना, अदरवाइज 64। पर बच्चे अगर आप लोगों के एग्जाम में आए कि हाथों में कितनी हड्डियां, 60, उसमें हम लोग स्कैप्यूला क्लेविकल काउंट नहीं करेंगे, उसमें हम लोग स्कैप्यूला एंड क्लेविकल काउंट नहीं करेंगे बेटा। नोज का बोन नॉलेज गेन जो भी हो आपका नाम है बेटा, ये मैंने शुरू में कराया, आप शायद लेट आए हो, आप पुराना पढ़िएगा, उसमें भी होता है बेटा। टीथ में कोई बोन नहीं होती है नितिन, टीथ में बोन नहीं होती, जॉ में बोन होती है, अपर जॉ मैक्सिला, लोअर जॉ मैंडिबल, ये भी आपको फेस में करा दिया है मैंने, ठीक है। तो कलाई जो होती है कार्पल, फेलेंजिस होती है उंगलियां, पर अगर आपके एग्जाम में सीधा पूछे, इसको हम लोग फोर लिम्स भी बोलते हैं, फोर लिम्स,
ठीक है, अगर पूछा जाए फोर लिम्स में कितनी हड्डियां, तो 60। इसके अंदर हम लोग स्कैपुला और क्लेविकल काउंट नहीं करेंगे बेटा। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, आप जाके वहां से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पैरों की। मैंने आपको बोला था अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई आपकी बैकबोन। सैक्रम हमने पढ़ा, कॉकिक्स हमने पढ़ा, कॉकिक्स और सैक्रम को हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया वर्टिब्रल कॉलम में। कॉकिक्स और सैक्रम को हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया बेटा, ये दोनों किस में आ गई थी, वर्टिब्रल कॉलम में। जो साइड में हिप बोन होती है दोनों साइड पर, इसको हम लोग बोलते हैं इलियम। जो बोन आपकी थाई से जुड़ी होती है ईशियम। प्यूबिस बेटा वो हड्डी होती है जो आपके प्राइवेट पार्ट्स को सिक्योर करती है, ठीक है, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स को सिक्योर करती है उसको बोलते हैं। शुभम क्वेश्चंस में करवाऊंगी बेटा इस पर, आप टेंशन मत लो, जो भी पढ़ाऊंगी उसके क्वेश्चंस में कराऊंगी, इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगी, देखना सारे बनेंगे, मैं लेकर आऊंगी इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास के अंदर, देखना सब हो जाएगा, कैसे नहीं होंगे भाई, देखते हैं। यार ये विनोद क्या चल रहा है, ये कुछ बहुत ज्यादा चल रहा है, हर बंदा इस पे हंस रहा है, कुछ है क्या जो हमसे मिस हो गया। चलो नेक्स्ट। अब कॉकिक्स जो कॉक्सल जो होता है बेटा, कॉक्सल एक हड्डी होती है जो जुड़ करके मतलब जो आपका जॉइंट बनाती है उसको कॉक्सल बोलते हैं। फीमर, फीमर होती है थाई बोन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जांघ की हड्डी, ठीक है। फीमर के बाद जैसे हमारे पास हाथ में दो हड्डी थी ना, अल्ना और रेडियस, वैसे ही हमारे पास पैर में भी दो हड्डी होती है, टिबिया और फिब्यूला। अंदर की तरफ जो होती है वो टिबिया होती है, बाहर की तरफ जो होती है वो फिब्यूला होती है, ठीक है। अंदर की तरफ जो हड्डी होती है वो टिबिया होती है, जो बाहर की तरफ होती है वो फिब्यूला होती है। जरा देखो, मैंने आपको बोला था जो कलाई है, कलाई मुड़ रही है, इसको बोला था कार्पल। ऐसे ही पैर का पंजा मुड़ता है, इसको बोलते हैं टार्सल। अब एक डिफरेंस यहां पर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनडी के लिए, एक डिफरेंस हाथ और पैर में और होता है। हाथ की जो हड्डी होती है, दो हड्डियां आती हैं जुड़ करके जॉइंट बना लेती है, कोई और हड्डी ऊपर से नहीं लगती, पर पैर में ऐसा नहीं होता। पैर में क्या होता है, इस तरीके से एक हड्डी अलग से आती है, इसमें दो हड्डियां जुड़ती हैं और पैर की हड्डी बनाती है, इसको हम लोग पटेला बोलते हैं। पटेला यानी कि घुटना, पटेला यानी कि घुटना, ठीक है। टिबिया और फिब्युला, टिबिया दो हो गई, फिब्युला भी दो हो गई दोनों पैरों में। टार्सल क्या हो गया, वो जो पंजा जहां पे हिलता है वो टार्सल हो गया, मेटा टार्सल, पंजे को बोलते हैं मेटा टार्सल, मतलब आप इसे एंकल बोल सकते हो, टार्सल को आप लोग एंकल बोल सकते हैं, मेटा टार्सल को आप लोग पंजा बोल सकते हैं, पैर का पंजा होता है ना, फेलेंजेस उंगलियां, ये टोटल बोन्स होती है हमारे पैर में। तो टोटल बोन्स कितनी होती है, 62 बोन्स होती है, फिर भी अगर पैर में पूछा जाए तो हम लोग 30 लिखेंगे, वैसे ही 64 होती है, आप प्लस करोगे तो मिल जाएगा आपको, अगर मैं पेल्विक गर्डल भी जोड़ दूं पूरा, ये भी जोड़ दूं सारी, ठीक है, तो 64 हो जाती है, पर आप लोगों के लिए हाथ और पैर दोनों में 30 बोन्स है। वो ये ना पूछे कि भाई टोटल बताओ, तब तक नहीं बताना। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, फीमर इज द लार्जेस्ट बोन, सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे चौड़ी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी है। अगर एक्सियल की बात करें, एक्सियल में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो एक्सियल में सबसे मजबूत हड्डी जॉ की है, जबड़े की, ठीक है। द लॉन्गेस्ट बोन, फटाफट आंसर कीजिए अब बेटा। दोनों ही बोन्स प्राइवेट पार्ट में जो फीमेल और मेल के बोन होती है उसको प्यूबिक बोलते हैं, इसीलिए जो उस पे हेयर आते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्यूबिक हेयर। बिल्कुल सही, फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन आर बॉडी। ये कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है थाई में। कहाँ पाई जाती है, थाई में, मैंने अभी आपको पढ़ाया। शॉर्टेस्ट बोन का नाम बताओ, सबसे छोटी हड्डी, स्टेपीज, बिल्कुल सही, वेरी गुड,
स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कान में। स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक है, ये बोन समझ में आई? अब मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में, जितने लोग भी जाग रहे हो, आधे तो सो गए होंगे, आधे गायब हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, फिर बोलेंगे कि मैम ट्रिक्स दे दो, मैम समझ नहीं आ रहा, मैम डिफिकल्ट है। पढ़ोगे नहीं तो डिफिकल्ट होगा ना। चलो फटाफट से मुझे बताओ, क्रेनियम, कपाल, ये कितनी कितनी हड्डियां हैं टोटल हमारे पास कपाल में? इस कपाल में कितनी हड्डियां हैं? वेरी गुड, बहुत जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जल्दी से आंसर करते जाओ। कपाल, क्रेनियम, कितनी हड्डियां हमारे पास? यार सर तो मत बोलो, मैम ही बोल लो, जेंडर तो मत बदलो, विशाल शर्मा मेरा। यहां बताओ कितनी हड्डियां हैं? वेरी गुड, आठ, चलो गुड। फेस में बताओ कितनी हड्डियां हैं टोटल? 14, वेरी गुड, आठ यहां, 14 यहां, तो टोटल कितनी हड्डी हो जाएगी हमारे पास? 8 यहां, 14 यहां, तो टोटल हड्डी कितनी हो गई हमारे पास? 22, 14 प्लस 8 कितना हुआ? 22, वेरी गुड। तो मतलब पूरे स्कल में टोटल कितनी हड्डी हो गई? पूरे स्कल में टोटल हो गई हमारे पास 22 हड्डी, जिसमें चेहरे में 14, क्रेनियम में 8। ठीक है, आगे चलो। रीढ़ की हड्डी, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां हैं टोटल? वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स, वेरी गुड वेरी गुड। सबके सब आंसर करो भाई, फटाफट कमेंट करो, जल्दी जल्दी। वेलकम भूपेश जी, उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा। कैप्टन, हमारे पास टोटल नंबर जो बायो के होते हैं एनडीए के एग्जाम में, वो 15 से 20 के बीच में होते हैं, 15, 18, 17 ऐसे आ जाते हैं। हेयर का आने का मतलब होता है बेटा प्रोटेक्शन, तो हर जगह पे, बॉडी पे भी तो हेयर होते हैं, आपके हाथ पैर नाक कान सब में बाल हैं, दैट इज फॉर प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी जल्दी, गुड। अब बात करते हैं पसलियां, पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं टोटल? आपकी रिबकेज में कितनी बोन्स हैं टोटल? बोन्स इन रिबकेज 73। अनुरुद्ध, 73 कौन सी हड्डियां होती हैं भाई? 73 कहां होती हैं बेटा? या तो आप बोलो 12 पेयर या आप बोलो 24 बोन्स। पसलियों में कितनी हड्डियां? या तो बोलो 12 पेयर या बोलो 24 बोन्स। राहुल, मैं आपको बता चुकी हूं बेटा, हाथ में कुल कितनी हड्डियां हैं? 30। पैरों में 60 भी बोल सकते हो। कान में कितनी हड्डियां हैं? अभिमन्यु, कान में कितनी हड्डियां बेटा? 3। तीन हड्डी कौन कौन सी है? इनकस, मैलस, स्टेपीज। कौन सी हड्डी है? इनकस, मैलस एंड स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी हमारे पास, नेम द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह वेरी गुड यार। जो लोग सो गए हो बीच में, फिर बोलते हो यार मैसेज करके कि नहीं समझ में आता, गलत बात बेटा। पानी की वजह से और विटामिन की कमी की वजह से, ये भी पढ़ाऊंगी, जब विटामिन कराऊंगी ना तब बताऊंगी। बताओ फटाफट, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी इस फीमर, थाई में पाई जाती है, जांग में। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। ये दो नाम आपने याद रखने इंपॉर्टेंटली, ठीक है बेटा। हेयर आपको सर्दी या गर्मी से बचाते हैं। आप कभी किसी पहाड़ी इलाके पे जाके कुत्ते को देखना, ऐसे लगेगा भालू है, और यही आप राजस्थान में जाके कुत्ते को देखना, उसके ऊपर स्किन नहीं होगी, बाल बहुत कम होंगे। जो बाल होते हैं ये होम्योस्टेसिस करते हैं, मतलब आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। पसीना जो निकलता है ना आपका, जस्ट टू मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए पसीना निकलता है, ठीक है, डन। चलिए बायोमेनिक्स, बाय नुपुर गुलाटी, बायोमेनिक्स बाय नुपुर गुलाटी, ये पेज है आपके टेलीग्राम के ऊपर।
इस पेज में सारी पीडीएफ रखे हैं, जितने भी बच्चे आज पहली बार आए हो जाना। और इस पर ये फेसबुक पर भी है बेटा, ये फेसबुक पर भी है पेज है, और आपका यही पेज टेलीग्राम पर भी है सेम नाम से। आप बायोमेनिक्स एयरफोर्स करोगे, एयरफोर्स का ग्रुप है। आप बायोमेनिक्स एनडीए करोगे, एनडीए का ग्रुप है, ठीक है ओके। आप राजस्थान से हैं तो आपको पता ही होगा भाई, हेल्थ एंड डिजीज भी पढ़ाऊंगी बेटा, सब पढ़ाऊंगी एक साथ तो नहीं पढ़ा सकती ना, धीरे धीरे। आप बच्चे ये नाम लिख लीजिएगा, आपको मैं मिल जाऊंगी। आप मेरा नाम भी फेसबुक इंस्टा कहीं पर भी लिख लेंगे, सिर्फ नुपुर गुलाटी लिख लीजिए, कहीं पर भी मैं आपको इजीली मिल जाऊंगी। बहुत स्टार्टिंग के नंबर्स में आपको मैं मिल जाऊंगी। और रेगुलर क्लास 12 से 1 चलेगी, रेगुलर क्लास केमिस्ट्री और बायो की 12 से 1 चलेगी, ठीक है 12 से 1 रेगुलर। नेक्स्ट आगे चलें, इस पर मैं आपके सारे लिंक अपडेट कर दूंगी। इसी के ऊपर बच्चे आप लोगों की पीडीएफ रखी है टेलीग्राम पर, आप उस पीडीएफ को निकालिए, पीडीएफ को निकाल के प्रिंट करा लीजिए, और प्रिंट कराने के बाद जब आप पढ़ते हैं बैठकर, कुछ एक आध वर्ड एक्स्ट्रा है तो लिख लीजिए, बाकी वो पीडीएफ पूरी है। आप देखिएगा उसे, पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा सब, ठीक है। ठीक है अमित, ठीक है। व्हाइट हेयर बेटा विटामिन B12 की B7 की कमी से, और B7 कम क्यों होता है, पानी की वजह से, ये बताया मैंने। हेयर रिसीडिंग क्या होता है कैप्टन, रिसीडिंग हिंदी में बोल लो यार, इससे अच्छा तो मुझसे समझ तो आएगा मुझे, ये मैंने बताया आपको कि भाई क्यों होता है, बाकी जब विटामिन पढ़ाऊंगे ना तब इन डिटेल बता दूंगी। जैसे ही क्लास लग जाएगी आई विल इन्फॉर्म यू बेटा अन अकेडमी की, बाकी इस चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगी, जो कुछ भी होगा अपडेट कर दूंगी, ठीक है। आप लोग के पास सबके पास मेरा फोन नंबर भी है, ये सिर्फ व्हाट्सएप पे चलेगा, ये आप लोगों का किसी भी जगह पर आप कॉल नहीं कर सकते हो, कॉलिंग नहीं होता है इस नंबर पे, सिर्फ व्हाट्सएप पे चलेगा। और अगर आप लोग ने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको आंसर करूंगी। जैसे ही मैं फ्री होंगी, मैं क्लास में होती हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठाती, 2 बजे 3 बजे रात को, सुबह सुबह 3 4 बजे 2 बजे अगर मुझे मैसेज या सॉरी कॉल, मैसेज तो आप किसी भी टाइम करो जब आपको सही लगता है, रात को 3 बजे 2 बजे मुझे कॉल किया तो मैं इसे बंद कर दूंगी, नंबर को ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है। हेयर कैसे ब्लैक होंगे ये भी बताऊंगी बेटा, विटामिन B7 की मात्रा को पूरा कर लो, हेयर ब्लैक हो जाएंगे। तब तक के लिए इस क्लास को फिनिश करती हूँ, कल मिलेंगे सेम टाइम, कब, 12 से 1 इसी चैनल पर इसी टाइम पर। कल हम पढ़ेंगे बेटा जॉइंट्स और मसल्स, ये भी तो पढ़ना है ना हमको, इसके साथ ही है जॉइंट्स एंड मसल्स, बोन्स के साथ ही, तो पहले बोन्स पूरा करेंगे उसके बाद हम लोग हेल्थ एंड डिजीज पे आएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।